हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम चैनल। और देखिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपका रिवाइज सिलेबस सोशल साइंस का, क्लास टेंथ का। देखिए, काफ़ी दिन से हमें इंतजार था सिलेबस का कि शायद कुछ चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ रही थी। पर देखिए, फाइनली CBSE ने अपना पूरा सिलेबस डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर्स हैं जो ओमिट हुए हैं और आपको वो प्रिपेयर नहीं करने हैं। बट देखिए, सिर्फ इसी साल के लिए, और आई थिंक आपका बस अच्छे से क्लास टेंथ हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ का स्टडी मटेरियल स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड मिल जाएगा। आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो वो सब मिल जाएगा। आपके नोट्स हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन है, आपका सिलेबस है, मैथ वर्क हुआ, आपकी वर्कशीट हुई जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं देती हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री का अगर देखें तो देखिए, इससे पहले आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने होते थे, बट अब इस टाइम क्योंकि सिलेबस कम कर दिया गया है ड्यू टू COVID-19, तो अब आपको क्या करना है, आपको हिस्ट्री में से सिर्फ 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपको करना है। सेकेंड देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया आपको कंप्लीट करना है। और इसके बाद देखिए, थर्ड चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड आपको करना है। और इसमें से देखिए, आपको ऑप्शन दिए हैं, या तो आप मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड कर लीजिए या फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लीजिए। तो इनमें से सिर्फ आपको एक थीम करनी है, यानी आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो टोटल आपको 3 चैप्टर्स हिस्ट्री से कंप्लीट करने हैं। इसके बाद मूव करते हैं हम ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट चैप्टर जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको जो वाटर रिसोर्सेज है, यहाँ से सिर्फ मैप वर्क जो है वो आपको करना है। इससे प्रीवियस में भी मैंने स्पेशली आपके लिए अलग से मैप का सिलेबस अलग से बना रखी है वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा उसको। इसके साथ ही देखिए, एग्रीकल्चर से आपको पूरा का पूरा एग्रीकल्चर भी प्रिपेयर करना है। और इसके बाद देखिए, जो फिफ्थ मिनरल्स था, जो कहा रहता है कि इस बार बिल्कुल ये हटा नहीं था और पढ़ना था आपको, बट आप क्योंकि रिवाइज सिलेबस आ गया, आपका चेंज हो गया है, तो मिनरल्स जो चैप्टर है वो अब कट हो गया है यहाँ से, ठीक है। तो आपको देखिए, लिखा भी है कि यहाँ पे पीरियोडिक टेस्ट और बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट देखिए जो मैप वर्क है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो वाटर रिसोर्सेज है उससे मैप वर्क आ सकता है, तो यहाँ से भी मैप तो आएगा, ठीक है। और मैप भी वही आएगा जो CBSE ने खुद जो पॉइंट्स आपको दिए हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद देखिए, सिक्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो यहाँ से भी आपको ये चैप्टर बिल्कुल प्रिपेयर करना है आपको। इसके बाद जो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। इसके साथ ही मूव करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी आपके सिविक्स, तो यहाँ पे आपको पावर शेयरिंग जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर फाइव, ये ओमिटेड हो गए हैं, ये डिडक्ट हो गए हैं। अब आपको करना है सीधे सिक्स चैप्टर, यानी पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद आपको करना है सेवन चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है, बट देखिए उसी की तरह प्रिपरेशन भी अपनी तैयार रखिएगा, तैयारी अपनी पूरी रखिएगा। इसके बाद देखिए, इकोनॉमिक्स से आपका डेवलपमेंट जो चैप्टर है वो आपको करना है। सेकेंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये आपको प्रिपेयर करना है। थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट भी करना है। और साथ ही जो फोर्थ चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, सो इट मींस आपको इको में तो आपको 4 चैप्टर जो आपको मेंशन किए गए हैं वो आपको पूरे ही करने, इसमें कोई इसी तरह का कोई चैप्टर को कट नहीं किया गया है। इसके साथ ही आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना है जिसमें 3 टॉपिक्स आपको दिए हैं, और इसमें से आप किसी भी एक टॉपिक पर आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। जो आपके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स, उसमें उसके लिए ये सिर्फ आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप इन तीनों टॉपिक्स में से एक कोई भी टॉपिक पे आप फाइल बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए, बाकी सब तो वही है जो जो इंपॉर्टेंट हमें पता है कि कौन कौन सी बुक्स होती हैं। साथ ही आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्टिंग में हमने देख लिया है, वहाँ पे दिखाया गया है, और उससे पहले भी प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो अभी सिर्फ आपको काम की बात जो जाननी है वो यही कि आपको कौन कौन से चैप्टर जो है वो प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ ही देखिए, जो लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स हैं वो भी बता चुकी हूँ मैं पहले भी, तो इस तरह के जो मैप वर्क है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, तो ये सारे जो मैप है, देखिए वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में से कुछ वैसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, पर मैप वर्क बिल्कुल आएगा, तो वो आप देख लीजिए। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आपको ये सब प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से देख लीजिए, आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं मैप के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। चलिए देखिए, आप समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। तो क्लास टेंथ का जो इंग्लिश और लैंग्वेज और लिटरेचर है उसका कोड नंबर है 184। और यहाँ पे देखिए, सेक्शन वाइज देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक जो है वो CBSE ने डिलीट कर दिए हैं आपके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रीडिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, और सी सेक्शन जो है वो लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। देखिए यहाँ पे सब बताए गए किस तरह के कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कितने कितने मार्क्स के, वो सब बताया गया। आप देखिए ग्रामर क्वेश्चन से देखें आपका, तो कौन से टॉपिक्स रिलेटेड हुए हैं वो हैं यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉजेस में से आपके नाउन एडवर्ब
और एंड जो रिलेटिव है वो भी यहाँ से ओमिट हुआ है। साथ ही देखिए प्रपोजिशंस जो है वो डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद देखिए राइटिंग पार्ट में मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या टॉपिक्स जो है वो डिलीट हुए हैं। इसके साथ ही देखिए अब आपका देखा जाए तो यहाँ से इतने ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है आपका जो बुक्स से एनसीईआरटी से आते हैं, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट फ्लाइट है टेक्स्ट फॉर क्लास 10, यहाँ से जो टॉपिक्स रिलेटेड हुए हैं वो है फर्स्ट हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, सेकंड है ट्रीज, थर्ड है फॉग एंड फोर्थ है मिशबिल द ऑटो, फिफ्थ है फॉर एनी ग्रेगरी और लास्ट देखिए सेकंड जो फुटप्रिंट से विदाउट फीट ये सप्लीमेंट्री रीडर, यहाँ से कौन से टॉपिक रिलेटेड हुए हैं वो है फर्स्ट द मिडनाइट विजिटर, सेकंड है आपका अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, थर्ड है द बुक द सेव द अर्थ, ठीक है सेव दी अर्थ। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके डिलीट किए गए हैं आपकी इंग्लिश से। तो देखिए आइए अब समझते हैं जो क्लास टेंथ है उसके जो हिंदी कोर्स बी जिन्होंने लिया है। देखिए कई जगह ए लेते हैं कई जगह कोर्स बी लेते हैं, तो वो ए वाला भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए अगर आपने बी कोर्स लिया है तो यहाँ के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने हटा दिए हैं, तो देखिए पहले तो आपकी मार्किंग स्कीम है जो यहाँ पर बताई गई है, तो थोड़ा सा ये आप देख लीजिए किससे कहाँ से आपके अपठित गद्यांश से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के बन रहे हैं वो बताया गया है, फिर आपका व्याकरण से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के बन रहे हैं, फिर इसके बाद जो आपके पाठ्यपुस्तक स्पर्श है भाग टू वहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके बताए गए हैं, फिर देखिए गद खंड जो है वहाँ से कितने हैं काव्य खंड से कितने हैं, इसके बाद देखिए खंड भाग का जो आपका पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग टू है वहाँ से कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, फिर लेखन से आपके कितना टॉपिक्स आने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ अगर देख ली जाए मार्किंग स्कीम तो वो उसके बाद देखिए पूरा का पूरा अब हम समझने वाले हैं जो कौन से जो चैप्टर्स हैं वो आपके हटा दिए गए हैं, कौन से पार्ट हैं जो हटा दिए गए। देखिए व्याकरण खंड में देखा जाए तो अलंकार हटा दिया गया है, पद खंड में से आपके बिहारी के दोहे जो हैं वो हटा दिए गए हैं, फिर देखिए महादेवी वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल ये हटा दिया गया है, वरेण डगवाल की तोप ये हटा दिया गया है, रविंद्रनाथ ठाकुर का आत्मतरण ये हटा दिया गया है, गंध खंड में आइए तो सीतारमन सेक्सरिया की डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, आतोन चेखव के गिरगिट ये टॉपिक हटा दिया गया है, रविंद केलेकर की पतझर में टूटी पत्तियाँ, ठीक है गिन्नी का सोना, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके हटा दिए गए हैं। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है, तो अब आप और भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहले देखिए सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, तो अगर सिलेबस अच्छे से पता होगा तो आप प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए अब हम समझते हैं क्लास टेंथ का हिंदी का जिन्होंने कोर्स ए लिया है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कोर्स बी लेते हैं कई लोग, कहीं स्कूल में कोर्स ए लिया है, तो कोर्स ए का आपका कोड है 002 और क्लास टेंथ का। तो देखिए आज हम समझेंगे कौन कौन से जो आपके चैप्टर्स हैं वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए ड्यू टू कोविड-19। तो देखिए पहले तो आपका मार्किंग स्कीम ही पूरा दिया है कि कहां से कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं कितने मार्क्स के बनते हैं, तो वो तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किए थे। तो ये देखिए आप सिलेबस का पूरा पैटर्न देख सकते हैं किस तरह से कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ये आपको प्रिपेयर करना है इसी हिसाब से। अब जो मेन टॉपिक्स है वो हमें ये जानना है कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपके डिलीट हुए हैं, ठीक है लेखन से देख लीजिए कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ग्रामर जो है आपका, अब देखिए एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं ठीक है क्षितिज भाग सेकंड, तो वहाँ से कौन से पार्ट्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, तो फर्स्ट है आपका काव्यखंड और यहाँ से आपका देव जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, नागार्जुन ये दंतुरित मुस्कान फसल, गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना, मंगलेश डबराल के संगतकार, गद्यखंड से आपका मन्नू भंडारी की एक कहानी ये भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और इसके बाद यतीन्द्र मिक्ष की नौबत खाने में इबादत और भदत आनंद कौशल्यान की संस्कृति, ये टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। कृतिका भाग सेकंड में देखें तो यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा ये टॉपिक और साथ ही मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके हटा दिए गए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चैप्टर्स जो हैं आप बिल्कुल मेंशन कर लीजिए अपने इंडेक्स में कि ये चैप्टर्स आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। देखिए आइए अब हम समझते हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का जो रिवाइज सिलेबस जो सीबीएसई ने अनाउंस किया है, तो यहाँ से आपको कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, और देखिए मार्किंग स्कीम दी हुई है आपके नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एलजेब्रा से 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का, ज्योमेट्री से 15 का, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स का, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपका 11 मार्क्स का, तो टोटल 80 मार्क्स का यहाँ से, बाकी आपका इंटरनल असेसमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। तो देखिए नंबर सिस्टम से देखिए यूनिट 1 जो है वहाँ से आपको रियल नंबर जो है ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, यूनिट सेकंड से आपको एलजेब्रा करना है और ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद देखिए एलजेब्रा से पॉलिनोमियल्स हैं, फिर सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये आपको प्रिपेयर करना है, थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, फोर्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, और यूनिट थर्ड में देखिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें लाइंस जो है इन टू डायमेंशंस ये आपको प्रिपेयर करना है, यूनिट फोर्थ में आपको ज्योमेट्री फर्स्ट है ट्राइंगल्स ये करना है, सेकंड सर्कल्स करना है,
और इसके बाद देखिए थर्ड कंस्ट्रक्शन भी आपको प्रिपेयर करना है। फिफ्थ यूनिट से ट्रिग्नोमेट्री से आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करना है, फिर आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेज करना है। और इसके बाद देखिए यूनिट फोर्थ में आ जाइए तो आपका यूनिट सिक्स में आ जाइए तो इसका मेंसुरेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, फिर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। फिर यूनिट देखिए सेवन्थ में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके 10 पीरियड्स में आपको कंप्लीट करना है। देखिए मार्क्स नहीं है ये कि कितने ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना है वो बताया, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे टोटल मार्क्स और वेटेज बताया है, कितना कितना कहाँ से क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं। फिर इंटरनल असेसमेंट में देख लीजिए आप, तो ये आपके 10 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स किस तरह के पोर्टफोलियो है, लैब प्रैक्टिकल है, उसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने समझ लिया पूरा मैथ्स का आपका, तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बस है वो किस तरह से चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है इसमें समझ लेते हैं। तो पहले देखिए आपके मार्किंग स्कीम दी हुई है, केमिकल सब्सटेंस नेचर बिहेवियर जो यूनिट वन है आपकी, यहाँ पे 26 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपके। सेकंड आपका जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है यहाँ से 23 मार्क्स का। थर्ड है आपका नेचुरल फेनोमेना यहाँ से 12 मार्क्स का। फोर्थ है आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट यहाँ से 14 मार्क्स का। और फिफ्थ है नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ से 5 मार्क्स का। टोटल आपके 80 मार्क्स होते हैं यहाँ पे, और इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपका 20 मार्क्स है। तो वहाँ से जो आपके जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो भी लैब मैनुअल्स होते हैं, पोर्टफोलियो, वहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाते हैं। इसके बाद देखिए थीम आर मटेरियल और यूनिट वन है केमिकल सब्सटेंसेज नेचर एंड बिहेवियर, यहाँ से आपको केमिकल रिएक्शन टॉपिक प्रिपेयर करना है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो टॉपिक्स दिए हैं बस वही आपको करने हैं, कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये आपको करना है। फिर थीम जो नेक्स्ट है आपकी द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, यहाँ पे यूनिट टू है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेसेस ये करना है आपको, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटरी है ये थीम। नेक्स्ट में देखिए नेचुरल फेनोमेना है यूनिट थर्ड, नेचुरल फेनोमेना। इसके बाद थीम है हाउ थिंग्स वर्क, और फिर यूनिट फोर्थ में देखिए इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। फिर थीम नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे आपको यूनिट फाइव नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट ये सब करना है। इसके बाद देखिए ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट नेक्स्ट एक नोट आ गया, तो यूनिट फाइव में जो भी आप नीचे चीज़ पढ़ोगे, जो भी पोर्शन दिए गए हैं, वो आपको आप अपने पोर्टफोलियो में इनमें से किसी भी एक कॉन्सेप्ट पे इस यूनिट के अपने पोर्टफोलियो में उसमें एक ब्रीफ राइट अप लिख सकते हो। इसके आपको मार्क्स मिलेंगे आपके पीरियोडिक्स में, इंटरनल असेसमेंट में जो होते हैं वहाँ से मार्क्स मिलेंगे। बट यहाँ से आपका याद रखिएगा, जब साल के एंड में जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, तो कंजर्वेशन, जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके हैं जो आपको देखना है एक बार, और आप इसमें से कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगता है वो पोर्टफोलियो में आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए समझ लेते हैं प्रैक्टिकल्स जो हैं आपके, कौन कौन से क्लास 10 साइंस के आपको प्रिपेयर करने, तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यूनिट वन से लिटमस सॉल्यूशन, जिंक मेटल, सोडियम सॉलिड, सोडियम कार्बोनेट, फिर परफॉर्मिंग ऑब्जर्विंग दी फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाइंग दैम इनटू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इस तरह के प्रैक्टिकल्स आपके मेंशन किए गए हैं, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। प्रिस्क्राइब बुक्स तो हमें बताइए कि एनसीईआरटी की बुक्स आपकी लगती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बता दिया गया है आपको एक, पर आप थोड़े से ये देख लीजिए अपने प्रैक्टिकल जो भी हैं, ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आई होप आपको पूरा अपना सिलेबस क्लियर हो गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स अब हम समझ लेते हैं क्लास टेंथ का रिवाइज कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो क्लास टेंथ कोड 165 है इसका, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं आपके। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन पीरियड्स है, यूनिट वन आपकी नेटवर्किंग 15 मार्क्स का है, थ्योरी यहाँ से 17 मार्क्स और प्रैक्टिकल 5 मार्क्स का होगा। सेकेंड यूनिट आपका HTML है और यहाँ से 25 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरे जो आएंगे, थ्योरी से 30 और प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है थर्ड साइबर एथिक्स, यहाँ से आपका 10 मार्क्स का है और थ्योरी है 8 मार्क्स की और प्रैक्टिकल होगा 10 मार्क्स का। फिर फोर्थ है आपका प्रैक्टिकल्स, जो कि टोटल मार्क्स है 50, यहाँ थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ मेंशन नहीं किया गया और होता भी नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल्स ओवरऑल हो ही गया आपका। तो टोटल देखिए मार्क्स जो है इन फोर यूनिट्स के 100 मार्क्स हैं, थ्योरी 55 मार्क्स की और प्रैक्टिकल 65 मार्क्स का है आपका। इसका मूव करते हैं यूनिट्स पे, तो यूनिट वन से नेटवर्किंग है जहाँ पे आपको इंटरनेट प्रिपेयर करना है, सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, फिर देखिए वेब सर्विसेज जो है ये वाले टॉपिक और मोबाइल टेक्नोलॉजीज। यूनिट टू से HTML, यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML, फिर HTML टैग्स हैं, फॉन्ट टेक्स हैं, इंसर्ट इमेजेस हैं, नेक्स्ट आपका HTML फॉर्म्स हैं, फिर आपका फोर्थ नेक्स्ट जो है इम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन HTML पेज है, फिर क्रिएटर टेबल यूजिंग द टेक्स हैं, लिंक्स हैं आपके, फिर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं। इसके बाद देखिए यूनिट थर्ड है साइबर एथिक्स, यहाँ पे आपके नेटिक्विट्स हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज एंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिर है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द डिजिटल डिवाइड, ई कॉमर्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर फोर्थ में देखिए लैब एक्सरसाइज, यहाँ से आपको क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस, यूज स्टाइल शीट्स टू इन्फोर्स अ फॉर्मेट इन एन HTML पेज,
एम्बेड पिक्चर्स हैं, फिर देखिए ऐड टेबल्स हैं, फ्रेम्स हैं, डेकोरेट वेब पेजेस, क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग सेवरल वेब पेजेस, फिर वर्क विद एचटीएमएल फॉर्म्स, राइट अ ब्लॉग यूजिंग एचटीएमएल पेजेस, फिर है क्रिएट अ वेब पेज डिस्कसिंग प्लेगरिज्म, ये है। फिर ब्रेकअप ऑफ मार्क्स ऑफ फॉर द प्रैक्टिकल्स देख लीजिए किस तरह से मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। एचटीएमएल जो है यहाँ से आपका 20 मार्क्स जो है लैब टेस्ट होगा। फिर देखिए आपका रिपोर्ट जो फाइल है प्लस वाइवा वो है आपका 20 मार्क्स का, रिपोर्ट फाइल जो है वो 15 का है और वाइवा वॉइस जो है वो 5 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट जो है डेट यूजेज जो भी आपने कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़े होंगे जो समझ में आए उससे आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो कि होगा टोटल 10 मार्क्स का और टोटल इस तरह से आपके 50 मार्क्स का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको इससे इस वीडियो से अब काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा अपने सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है। सो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।